हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए हैं जीके के, करंट अफेयर के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के। वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहे, क्योंकि डेली एनालिसिस मैं कर रहा हूँ हर एक शिफ्ट का, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गोबर गैस में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, आरएच फैक्टर कौन से मंकी से निकला था? रेसुस मकैको, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स के पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ DMRC, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगू सिंह। देखिए, डायरेक्टर हो गया आपका, ठीक है, CM हो गया, गवर्नर हो गया, और आपका कुछ CEO भी पूछे जा रहे हैं, तो कुछ आपके मतलब फिक्स है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं लगातार आपको PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे आज गवर्नर की, CM की मैं PDF वहाँ पे अपलोड कर दी है, तो आगे भी इसी तरीके से आपको PDF वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, देश का पहला वाईफाई स्टेशन कौन सा है? तो आपका मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का रोल किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा दग्गू बाटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, TB की कौन सी वैक्सीनेशन होती है? तो BCG नाम है इसका। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माई जर्नी फ्रॉम मेरिक्सम टू नेहरूवियम बुक किसकी है? ये CH हनुमंत राव की। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? दीपक मिश्रा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप टॉपिक देखते रहें कि कहां कहां से आपका टॉपिक पूछे जा रहे हैं, मतलब किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गुणसूत्रों किससे मिलकर बनते हैं? तो DNA प्लस आपका प्रोटीन से मिलके। ठीक है, और इससे पहली शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आपका 23 पेयर होते हैं, और 46 अगर आप बोलें तो 46 होते हैं। ठीक है, गांधी सागर डैम कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, MP में, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। CM ऑफ झारखंड, ठीक है, तो झारखंड के CM भी पूछे गए हैं, R दास हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका मतलब बार बार जो टॉपिक है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो है आपका एक तो CM हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है, और आपका कुछ टॉपिक और हैं जैसे कैपिटल होगी स्टेट की भी और आपकी आसपास की कंट्री की भी। तो ये कुछ पॉइंट हैं और जो कुछ टॉपिक हैं जिनकी मैं लगातार आपको PDF प्रोवाइड कराए रहा हूँ, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अभी मैंने वीडियो बना दी और फिर उसके बाद मिले, तो वो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा इन सभी चीज़ों का जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो CM ऑफ झारखंड क्या हो जाएगा? RS दास, ये हो गया आपका। तमिलनाडु के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार है? ADMK, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, D2O का रासायनिक नाम, यानी कि आपका ये हैवी वाटर होता है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका MD ऑफ नेल्को, यानी कि TK चंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब MD हो गया आपका, और एक CEO भी से भी क्वेश्चन आया, अभी देखेंगे वो शायद नीचे अभी। और एक आपका U17 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये इंग्लैंड ने जीता था, ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया में ही हुआ था, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नोमेडिक एलिफेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के बीच में होती है? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेंस की पावर क्या होती है? डायोप्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा। मणिपुर के भी CM पूछे गए हैं। देखिए, एक ही शिफ्ट में ऐसा होता है कि एक ही पेपर में ये दोनों CM नहीं पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपका हरियाणा में यहाँ पे कुछ अलग पूछा जा रहा है, ठीक है, UP में अलग पूछ लिया जाएगा, बिहार में अलग, तो इस तरीके से आपका अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजन में मतलब CM पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मणिपुर के कौन हो जाएंगे? बीरेन सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका ब्लैक पगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? तो आपके ये भी नेम भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, या फिर मैं आपको PDF इनकी भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जो इम्पोर्टेंट मंदिर है और जो जगह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क सन टेम्पल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किस रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होती है? बैंगनी, यानी कि वायलेट कलर की जो आपकी सबसे कम तरंग धैर्य होती है। ठीक है,
एक आपका था नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है, ये हो जाएगा विद्या देवी भंडारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला ना कि आसपास की जितनी भी कंट्री है उनके बारे में आपको मतलब बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट और पीएम, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है, बुंदल एक्सप्रेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये मतलब शायद क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता है, यही पूछा गया क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य फ्री मतलब आपको मिल जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, ये जैसलमेर में हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक आपका था प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन होते थे, तो जो आपका प्लानिंग कमीशन होता था पहले, जो मतलब अभी नीति आयोग होता है, तो अभी प्लानिंग कमीशन को ही हम नीति आयोग बोलते हैं, नीति आयोग में मतलब बदल दिया गया था इसको, तो इसके अध्यक्ष भी पीएम होते थे, और अभी नीति आयोग के अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं, जैसे कल पूछा गया था, तो उसके भी पीएम ही होते हैं। तो अगर आप एक चीज़ को देखें, कल नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे, आज प्लानिंग कमीशन के पूछ लिए, तो बात तो वही हुई ना, तो क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा घुमा फिरा के थोड़ा बहुत, ठीक है। एयू फाइनेंस बैंक के सीईओ यहाँ पे पूछ लिया गया, संजय अग्रवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका मतलब आपको छोड़ के आने में ठीक है कि अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब एयू फाइनेंस बैंक बहुत ही कम रेयरली सुना हुआ बैंक होता है, ठीक है, और हमारे साइड में तो नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं लगातार आपको अनअकैडमी पे भी वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ मैथ की, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके जो भी मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ कोर्सेज ग्रुप डी के लिए उनको देख लीजिए, प्लस मैं अपने चैनल पर भी लगातार वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, और पहले अपलोड कर रखिए 15-15 वीडियो के तो मैंने जो कोर्स अपलोड किए थे ना, एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों से जो मेरी बात होती है, कह रहे सर रीजनिंग और मैथ आपका पढ़ाया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज़ मिल रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो आज मुझे भी मिले हैं, मैं भी बताऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ जो मैंने पढ़ा रखे थे वो वैसे आए हैं, ठीक है। तो आप देखते रहें वीडियो, देखिए अनअकैडमी पे भी देखते रहें, और जहाँ यहाँ बात की जाए मेरे चैनल की तो यहाँ पे भी आप देखते रहें, प्लेलिस्ट मैंने सब कुछ बना रखी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के पहले कुछ आपके चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो चैप्टर तो मतलब फिक्स हो चुके हैं, मैं अभी तक हर बार आपको बता रहा हूँ, हाँ अब की बार एक काउंटिंग फिगर का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, अभी ये नहीं मुझे पता है कि ये फर्स्ट टाइम आया है, इससे पहले भी आ रहा था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप आज पेपर देखे हैं, पहले आपने पेपर दिया होगा, तो आपका स्लोगिज्म काउंटिंग फिगर से भी एक क्वेश्चन था, वोटर इमेज और मिरर इमेज से आपका क्वेश्चन था, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्लोक कैलेंडर सीरीज एनालॉगी ओड वन आउट एंड वेन डायग्राम, ये चैप्टर आप भी एक बार मतलब जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तो आपका था कि नागरिक, शिक्षित और मनुष्य का वेन डायग्राम क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक नागरिक और एक शिक्षित और एक मनुष्य है, तो जो आपका मनुष्य होगा वो शिक्षित भी हो सकता है, ठीक है, और ये दोनों मनुष्य और शिक्षित आपके दोनों के दोनों नागरिक होंगे, तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। वैसे तो आप ऑप्शन को देख करके मैंने आपको पूरी चीज़ें सिखा रखी है कैसे करना है, ऑप्शन को उसको हटा दीजिएगा, जैसे आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन तो कुछ ऐसा मिलेगा, एक ऑप्शन कुछ ऐसा मिलेगा, तो नहीं ये हो सकता, नहीं ये हो सकता है, कुछ आपको एक ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, तो यही 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो इसमें आपका ये वाला राइट होना था, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए एक क्वेश्चन था कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैंने आपको एक बार कैलेंडर वाली, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था आपको कि 2020 का अगर कैलेंडर की बात की जा रही, सबसे पहले तो 2020 का एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर की अगर बात की जा रही, तो लीप ईयर हम मतलब 28 साल बाद रिपीट होता है, तो अगर मैं देखूं यहां से 2020 से 2028 बाद क्या होगा, तो 2048 तो आपका यहां पे जाके रिपीट होगा, तो 2020 का कैलेंडर कब होगा, 2048 में जाके आपका ये रिपीट होगा, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक नेक्स्ट था आपका, देखिए ओड वन आउट से एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे लिखा था T20, ठीक है, N14, H8 और T9, तो अगर आप देखें यहाँ पे T20 पे आता है, N14 पे आता है, H8 पे आता है, I9 पे आता है, बट इसमें एक चीज़ देखा जाए तो इन तीनों में कॉमन है, ये तीनों इवन नंबर है और एक ओड वन है, तो ये ओड हो जाएगा, तो यही आपसे पूछा कि इनमें से ओड आउट निकालना है आपको, अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है, तो I9 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक आपका देखिए सीरीज का क्वेश्चन ये था कि 9, 27, 31, 115, 161, 1000 आपका 1127 और फिर आपका नेक्स्ट पूछा था क्या होगा, तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे एक बार तो इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है, वैसे तो इंक्रीज ही चल रहा है, बट एक बार स्पीड से इंक्रीज होता है और एक बार धीरे से, मतलब बहुत ही कम से इंक्रीज होता है। तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो इसमें दोनों चीज़ चलती है, मल्टीप्लाई भी चलती है और प्लस भी चलता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मल्टीप्लाई हुई है, 27 हो गया, ठीक है, 93 में करेंगे 27 में प्लस 4 करेंगे तो 31। तो अपने यहाँ पे देखे एकदम बहुत स्पीड से इंक्रीज और एकदम यहाँ से धीरे से, तो इसका मतलब प्लस चल रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि जब ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई में आप दो दो बढ़ाते बढ़ाते हुए मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चलना है। और प्लस में भी आपको दो दो बढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें प्लस 4 कर दिया आपने, नेक्स्ट आपका 3 से आपका 5 हो जाएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 हो जाएगा। फिर इसकी इसमें नेक्स्ट आप 6 प्लस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 161 हो जाएगा। फिर इसमें 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, और इसमें आप 8 प्लस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 1135। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1135। तो आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। मिरर इमेज का ये वाला क्वेश्चन तो नहीं था, बट देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी बच्चे से बात कर लो, कॉल पर भी बात कर लो, तो वो क्वेश्चन नहीं बता पाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बता पाएंगे तो आप मेरे से बात करना, जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन बता पाएंगे। अब कोई बता देता है कि मिरर इमेज से क्वेश्चन आया, मैंने लिखा कि टेबल लिखा और उसका आपको मिरर इमेज बना के दे दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आता। बट इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक लॉजिक एक चीज तो पता चलेगी ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो टेबल को आप कैसे लिखेंगे। भाई मैंने आपको बताया अगर मिरर यहाँ पे रखा है, मिरर यहाँ पे रखा है, अगर वोटर इमेज की बात होगी तो मान लीजिए मिरर यहाँ पे रखा है, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में रख दीजिए, कहीं पे भी रख लीजिए मिरर को, मिरर रखते ही आपको क्या सोचना है, जो चीज़ें मिरर के पास में है उसको मिरर के पास में ही और उसी डायरेक्शन में मूव करना है। तो ई अगर हम देखा जाए इस डायरेक्शन में खुला हुआ है तो इसी डायरेक्शन में आपको ई को बना देना है, एल इस डायरेक्शन में है तो एल को इसी डायरेक्शन में बना देना है, बी भी आपका इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये है आपका मिरर रखा हुआ है, बी को इस डायरेक्शन में ना तो इस डायरेक्शन में आप बी को बना दीजिए, ए और टी चेंज नहीं होगा, तो आपका ये कुछ मिरर इमेज बन जाएगी। तो आशा करता हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आप उनको डेफिनेटली करके आएंगे, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो पाइप एंड टंकी से, मतलब बिल्कुल बस समझिए डिजिट चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, और ये डिजिट बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन के टाइप की नहीं है, बट एक इस टाइप का क्वेश्चन था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन सारे थर्ड शिफ्ट के नहीं है, कुछ इसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी हैं, तो कुछ बच्चे ना बोलिए कि ये तो सारे के सारे थर्ड शिफ्ट में नहीं आए थे, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण यह टंकी 20 घंटे में भरी जाती है, भरी हुई टंकी को यह छेद कितनी देर में खाली कर देगा। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ पे ए 15 घंटे में भर देता है, ए यानी कि बी के साथ में मिलके, जो बी एक पाइप है जो छेद है मतलब छेद वाला पाइप है, उसके साथ में मिलने से ये जो ए पाइप है ये 20 घंटे में भरता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात ये करिएगा आप कि ए अकेला 15 घंटे में भर रहा था क्योंकि ए भरने वाला पाइप था। अब जब इसके साथ में एक बी पाइप लगा दी जाएगा और जो खाली करने वाला पाइप है, तो इसकी वजह से ये 20 घंटे लेना स्टार्ट कर देता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 60, 15 से डिवाइड करेंगे तो ए का एक घंटे का यूनिट वर्क आ जाएगा 4 यूनिट, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी का दोनों का एक घंटे का यूनिट वर्क आ जाएगा 3। अगर यहाँ पे हम देखें अकेला तो 4 यूनिट भर रहा था, और जब बी पाइप साथ में लगता है जो कि बी पाइप क्या है, खाली करने वाला पाइप है, तो अभी ये 3 यूनिट ही पानी पहुँचा पाता है। तो एक यूनिट पानी किसकी वजह से कम हुआ है, इस बी की वजह से, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएगा 1, ये 1 यूनिट किसके आ गया, बी की, यानी कि बी एक घंटे में 1 यूनिट पानी निकालता है, तो 60 यूनिट पानी को निकालने में कितना समय लेगा, 60 ही घंटे लेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पाइप एंड टंकी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन था आपका, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 7, 14, 15, 18 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर बचे, यानी कि 5 शेषफल बचे आपका जब इन चारों नंबर से डिवाइड करके देखा जाए। तो आपको क्या करना है, वह छोटी से छोटी यानी कि आपको एलसीएम निकालना है सबसे पहले। तो इनका एलसीएम आप बिल्कुल वैसे ही निकाल लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊँगा तो थोड़ा उसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लीजिए, क्योंकि अभी ट्रिक का टाइम नहीं है, ट्रिक का तो आपसे 1 महीना पहले था। तो यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे निकाल लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 630, ठीक है। तो 630 इनका एलसीएम आ गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 रिमाइंडर बचाना है, तो 5 ही प्लस कर दीजिए जो कितना होगा, 635, ठीक है। अब 635 को अब इनसे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर बार 5 भी बचेगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कि कोई बंदा है ए, मान लीजिए ए जो है वो 7 रुपये के, मान लीजिए कोई कुछ भी खरीद रहा है, सेब खरीद रहा है, 7 रुपये के 8
की भाव से सेब खरीदता है और 5 रुपये के 7 के भाव से बेच देता है, तो आप पूछा है कि इसमें प्रॉफिट हुआ उसको लॉस हुआ है। तो मैंने आपको एक इस तरीके की पहले भी ट्रिक बताई थी कि आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाइन में कर देनी है, ठीक है, रुपीज़ और क्वांटिटी, एक साइड में रुपीज़ और एक साइड में क्वांटिटी लिख दीजिए। 7 रुपये के उसने मान लीजिए 8 खरीदे, 7 के 8 खरीदे, 5 के 7 बेच दिए, तो अभी पूछा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ उसको लॉस हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 8×5=40 और 7 की 7 में करेंगे तो 49, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और भी आपको बताई थी, अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी होगी, कि क्वांटिटी वाली साइड बढ़ी तो लॉस और रुपीज़ वाली साइड बढ़ी तो आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बढ़ी है, ये वाली बढ़ी है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस निकल के आएगा जो 9, ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 को अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि डिवाइड किससे करें, लॉस होता है तो बड़े वाली संख्या से डिवाइड करिए, प्रॉफिट होता है तो छोटे वाली से डिवाइड करिए, ये भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में आपको बताया था। अगर आपने एक बार वीडियो देखी होगी ना तो आप बिल्कुल 100% सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 को 49 से डिवाइड कर लीजिए, अभी भी टाइम है, अगर आप कोई किसी का अभी 10 दिन भी है ना आपके पास में, और एक टेस्ट सीरीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए, 120 रुपये की है और मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, तो इसको खरीद लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 को 49 से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा, 18.36% ये लॉस होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा से फिर आता है तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पे था आपका सीपी दे रखा था 3200 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखा था 400 और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, तो देखिए कितने सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मैंने आपको पहले बताया ग्रुप डी में हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल ही आएंगे, बट हाँ एक चीज़ यहाँ पे पता चली है आज के पेपर में कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरी बात यह है कि आपका जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो बहुत लंबा है, मतलब पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और खासकर साइंस के, और आज तो बताया जा रहा है मैथ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, मैथ के, मतलब मैथ के जो इन्होंने बता रखा था ना कि 30 आपके आएंगे रीजनिंग के, 25 आएंगे मैथ के, तो बताया जा रहा है बच्चे की 30 से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ मैथ के थे, तो कुछ इस तरीके से भी रेशो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, 80, तो 80 को आप 320 से भाग कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई सॉरी, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सीपी 320 है और सेलिंग प्राइस आपका 400 है, तो जितना भी फालतू है वो प्रॉफिट ही तो हुआ, तो 80 को हम 320 से, क्योंकि हमेशा नीचे क्या रहेगी, सीपी रहेगी, तो 380 को 320 से भाग कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, 8 से कट जाएगा, 4 बार ये 10 बार, तो यहाँ पे कितना होगा, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। तो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल ही आपको करा था, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल यही, बस डिजिट चेंज है, डिजिट थोड़ा अलग हो गई और ये क्वेश्चन आज आ गया है, तो इसलिए बोलता हूँ कि हर एक वीडियो को देखते भी रहा करें और प्रीवियस वीडियो को भी रिमाइंड करके देखते रहें, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी का यहाँ पे रेशो दे रखा था 3 और 4, बी और सी का दे रखा था 8 और 9, और सी और डी का दे रखा था 12 और 13। यहाँ पे पूछा ए बी सी डी का रेशो क्या है, यानी कि सभी का रेशो पूछ लिया गया लगातार, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कर दीजिए ए का आ गया, और पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कर दीजिए बी का सॉरी डी का आ गया, बचा बी और सी का, तो बी और सी का रेशो निकालना कैसे है, ये मैंने आपको बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी कि 12, 8 और 4 की, और 12, 9 और 4 की, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ जाएगा, ठीक है, और इस साइड की पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 468 आ जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों की मतलब, तो 384, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 432, ये आपका आ जाएगा। अब इन सभी को अगर 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो 24, 32, 36 और 39 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी कॉमन नंबर से कटते हैं तो इसके बाद वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका मोड से, मीन मीडियन मोड से भी आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे था 264350 यानी कि 50 आपका 321323 का मोड क्या होगा, तो मोड क्या होता है, जो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही मोड हो जाता है। तो अगर आपको देखिए ये चीज़ें पता है ना, मैं इसलिए आपको हर एक चैप्टर कवर कराए थे उस टाइम पे मैथ के, कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, तो बस आप काउंट कर लीजिए 3 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 4 बार, तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 मोड हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आप सेकंडों में कर ही लेंगे, ठीक है। मीन मीडियन की भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पर, और वो आपका जो 15 वीडियो का क्रैश कोर्स मैंने बनाया था सेपरेट ग्रुप डी के लिए, अगर आप उसको भी अभी देख लेते हैं, उसमें भी मैंने सारे क्वेश्चन कवर करा रखे हैं, तो देख लीजिएगा, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं टाइम एंड वर्क से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया नहीं था, बट इस टाइप का क्वेश्चन था, तो अगर आप देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से पीडीएफ लेनी है, ठीक है, और कैसे टेस्ट को परचेज करना है, तो देखते रहिए वीडियो को।
ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में तथा बी अकेला इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी ने अकेले किया कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ए ने भाई 14 दिन में किसी कार्य को किया, बी ने अकेले से 21 दिन में किया, ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो इसी टाइप का कल भी था क्वेश्चन एक कि ए ने इतने दिन पहले को या फिर कोई नाम था वो शायद कि उसने इतने दिन पहले काम छोड़ दिया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके रोज़ डेली। तो यहाँ पे देखिए ए का आपको 14 हो गया, बी का 21 हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 42 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 42 को आप 14 से डिवाइड करेंगे तो ए का 3, 42 को आप 21 से डिवाइड करेंगे तो बी का 2, तो इनका आपका ये आ गया है 1 डे वर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब मुझे ये बताइए उस लास्ट 3 दिन में किसने वर्क किया होगा, ठीक है भाई। उन लास्ट दिन में जब ए छोड़ के चला जाएगा तो अकेला बी बचेगा और बी लास्ट दिन के 3 दिन में कितना वर्क करेगा, 6 यूनिट करेगा ना, तो बस उस 6 को माइनस कर दीजिए 42 में से, तो माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 36, ठीक है। तो इस 36 को कौन करेगा, तो इस ए ने कार्य छोड़ दिया तो इस 36 को अब करेंगे दोनों मिलके, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं, तो इसको कितने दिन में करेंगे 36 को, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 कंप्लीट 1/5 इतने दिन में, ठीक है। और यहाँ पे 3 दिन पहले लगे थे यानी कि 3 दिन अकेले बी ने किया, तो टोटल टाइम पूछा है तो 3 बी प्लस कर देंगे तो 10 सही 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई यही था आज का मैथ का पूरा आपका क्वेश्चन। अभी देखते हैं कहाँ से मिलेगी आपको पीडीएफ। पीडीएफ लेने के लिए सिर्फ एक ही आपका समाधान है जो यहाँ पे है टेलीग्राम। टेलीग्राम एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। और उसको आप डाउनलोड करके जब टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ पड़ी हुई पहले से मिल जाएगी। 1500-1600 पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी है और भी मैं लगातार अपलोड करता हुआ जा रहा हूँ वहाँ पे, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है उसका, ठीक है। तो बस वहाँ से आपको जस्ट अपलोड डाउनलोड करनी है वहाँ से पीडीएफ ये। और दूसरी बात यह है कि बहुत से बच्चे जो पूछ रहे हैं कि सीबीटी टेस्ट कैसे खरीदना है, तो यार बहुत ही सिंपल है, नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेंगे एक बार तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक तो सीबीटी टेस्ट कैसे परचेज करना है, एक लिंक दे रखा है नीचे, उस लिंक पे क्लिक करना है, तो आप उस लिंक को खोलने के बाद में वहाँ पे लिखा होगा पे 149, तो आपको 149 नहीं पे करने हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि आप टॉपिक स्टडी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो टॉपिक स्टडी वालों को 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसके लिए कोड आपको यूज करना है SAURABH SPL, ठीक है। तो अगर आप इसको कोड को यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट आपके ही वहाँ पे कट के ही आपको 120 रुपये का कुछ टेस्ट वो पड़ेगा, उसमें 30 टेस्ट है, 30 में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी, आप मोबाइल पे भी दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम पड़ रही है, अगर आप ये टेस्ट लगा के जाएंगे कम से कम भी इसमें 10-15-20 टेस्ट भी अगर आप लगा लेंगे, वैसे आपको पहले परचेज कर लेने चाहिए थे, अगर आपने पहले कहीं से परचेज कर रखे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरा मेन मकसद है कि आप टेस्ट को लगा के जाएं, ठीक है, या फिर आप कहीं से भी परचेज करें, बस टेस्ट को परचेज करके टेस्ट लगा के जाइएगा, क्योंकि बेनिफिट आपको तभी होगा पूरी की पूरी पढ़ाई का जब आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को लिख के और करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, तो टेस्ट को जरूर लगा के देखिए, चाहे कहीं से भी देखिए, उस चीज़ को मत सोचिएगा कि यहीं से परचेज करना है, ये सस्ते हैं, मैं इसलिए आपके लिए लेके आऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ इसका, बाकी मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई है तो आपने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।